सिक्स फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्स आठ, टू ए क्यूब प्लस फोर ए प्लस टू ए बी स्क्वायर, तीनों टर्म्स में जो पहले हमने कॉमन लिया तो तीनों में कॉमन है, फोर को हम टू ए मल्टीप्लाई टू लिख सकते हैं और ए तीनों में कॉमन है, इस पावर जो है वो वन है, तो हमने ए ब्रैकेट में हमारे पास बचा जो लेते हैं और जो टर्म्स होती है उसको देख लेते हैं कि हमारे पास अंदर क्या बचा। जैसे टू ए को हमने टू ए से डिवाइड किया, टू से टू कैंसिल, ए को ए से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर बचेगी ए की ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर बचा प्लस फोर को टू से डिवाइड किया टू ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ गया एक बचेगा और यहाँ बी एज इट इज आ गया प्लस इसमें से टू बाहर आ गया ए बाहर आ गया केवल बी स्क्वायर बचा। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताती हूँ, टू ए क्यूब में से हमने टू ए कॉमन ले लिया था, हमारे पास टू से टू कैंसिल, फर्स्ट टर्म में हमारे पास ए स्क्वायर बचा, नेक्स्ट में फोर ए स्क्वायर बी से टू ए कॉमन ले लिया तो डिवाइड करा हमारे पास क्या बचा टू से टू, फोर को टू से डिवाइड किया टू ए, टू में से पावर हम माइनस करते हैं, अब डिवीजन होता है तो पावर माइनस हो जाती है बी, और लास्ट टू ए बी स्क्वायर में से जब हमने टू ए से किया तो टू और टू और ए दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास केवल बी स्क्वायर बचा। इस तरह से हमने कॉमन लिया और हमारे पास ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा। हमने ये एक सेकेंड आइडेंटिटी है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को लिखा इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आया टू ए ए प्लस बी ए प्लस बी। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन पार्ट, फिफ्टी ए स्क्वायर प्लस 98 बी स्क्वायर प्लस 140 140 ए बी। अब हम देख सकते हैं 50 ए स्क्वायर को हम होल स्क्वायर, 50 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो हम इसे होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते, ना ही 98 होता है, तो तीनों में हमें एक चीज नजर आ रही है कि 2 जो है कॉमन है, 2 से ये तीनों नंबर जो है डिविजिबल है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब हमने 2 कॉमन लिया तो हमने किया, हमारे पास बचा 25 ए स्क्वायर, सेम ऐसे ही रहेगा, 98 को 2 से डिवाइड किया 49 बी स्क्वायर प्लस 140 को 2 से डिवाइड किया हमारे पास बचा 70 ए बी। आगे किया हमने, अब हमने लिखा 25 को 5 होल स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है 25 5 का स्क्वायर होता है, तो हमने 5 ए स्क्वायर बनाया, 5 का होल स्क्वायर बनाया। इसी तरह से 49 7 का स्क्वायर होता है, तो हमने 49 को लिखा 7 ताकि इसका भी होल स्क्वायर बन जाए, प्लस लास्ट चीज होती है हमारे पास 2 ए, ए है अब हमारे पास 5 ए और बी है 7 ए, तो ये हमारी आइडेंटिटी बनी, फर्स्ट आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी जो इक्वल होती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, जहाँ हमारा ए है 5 ए और बी है 7 ए, तो हमारे पास आया 2 और इसको हम लिखें 5 ए प्लस 7 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5 ए प्लस 7 बी 5 ए प्लस 7 बी। एट क्वेश्चन, 64 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर, हम 64 को लिख सकते हैं, 64 को मैंने लिखा 8 क्योंकि हमें मालूम है 8 का स्क्वायर 64 होता है ताकि इसका होल स्क्वायर बन जाए, 8x का होल स्क्वायर माइनस 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो 81 को हमने लिखा 9
हमारे पास आया नहीं का होल स्क्वायर। अब हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी। इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा ए हमारे पास 8x है, बी हमारे पास 9y है, ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 8x प्लस 9y 8x माइनस 9y। नाइन क्वेश्चन 25 p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में भी 25 को 5 लिखकर इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं और 9 को 3 लिखकर 3q का होल स्क्वायर सकते हैं। आइडेंटिटी हमारी सिमिलर हुई, थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फर्स्ट आया हमारे पास 5p माइनस 3q और सेकंड ब्रैकेट में 5p प्लस 3q, ए हमारे पास 5p है, बी हमारे पास 3q है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी। टेंथ क्वेश्चन 16 ए स्क्वायर बी माइनस 64 बी क्यूब। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में देखा कि कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 16 और 64। 16 के टेबल में 64 आता है मींस 16 कॉमन है, बी दोनों में है तो बी भी हमने कॉमन लिया। 16 में से 16 बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, हमारे पास बचे केवल ए स्क्वायर और सेकेंड टर्म में हमारे पास आया 64 को हमने 16 से डिवाइड किया, 16 फोर जो 64, बी क्यूब में से बी बाहर आया तो हमारे पास बचा बी का स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एक का तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्योंकि यहाँ पे केवल बी का स्क्वायर है तो पहले हम इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, तो इसलिए हमने 4 को लिखा 2, तो 2b का होल स्क्वायर। अब हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आप हर क्वेश्चन में जिस आइडेंटिटी का यूज करेंगे उसको आपको लिखना है साइड में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस टू बी, ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास 2b है और नेक्स्ट ब्रैकेट ए प्लस 2b। 9th क्वेश्चन कम्प्लीट।